देलेगांव पंचायत पाठ हमारे 3 नंबर वार्ड हमारा बॉर्डर पूरा नदी काट रहा है। ये देखिए नदी का हालत। उपिंदर शाह का बोला बोला है? आज ही झापा जिला से पुलिस लोग आकर के यहाँ देख करके छत्रपाल लोगों देख करके गया। हर पंचायत का आदमी आके देख के गया, मुदा पाठावाड़ी पंचायत का एक आदमी भी नहीं आया देखने के लिए जनता को, कि जनता मरा ना भसा ना डूबा, कहाँ है मेरा जनता। और उसके बाद एक सूता लेकर के इंडिया वाला सीआरपी आएगा, 30 मीटर छोड़ के घर बनाओ, इंडिया का सीआरपी नहीं बोलता है। आई वो नहीं बोलता है कि घर का काम करता है, हिफाजत से रहिए, ये बोली नहीं है उन लोगों के पास, धो बीटा कैम्प का। अच्छा उसके बाद इलेक्शन आएगा तो घर घर गली गली में घूमेगा, मुखिया लोग वोट मांगने के लिए वोट मांगेगा, मेंबर लोग ना मुंह देखेगा ना गंदा देखेगा ना कुछ देखेगा, वहाँ आकर के वोट मांगने के लिए गोट पकड़ता, हाथ पकड़ता, दाढ़ी पकड़ता है। और उसके बाद सब आकर के यहाँ ना कोई देखने वाला है ना सुनने वाला है, मेंबर हो, मुखिया हो, सरपंच हो, थाना हो, ब्लॉक हो, किसी को कोई पता नहीं है। यहाँ जनता लोग मर रहा है भूखा प्यासा, घर द्वार काट रहा है। इसके लिए क्या किया जाए? इलेक्शन में वोट हम लोग मुखिया को नहीं डालेंगे, काहे जब हम लोग आंख नहीं है मुखिया को, देखेगा नहीं मुखिया लोग हमको, तो हम लोग क्या देखेंगे मुखिया को। उसके बाद कोई मतलब नहीं है यहाँ, किसी को घर बॉर्डर में देखने के लिए नहीं आया है, भूखा खाया ना मर गया ना भस गया ना डूब गया, पूरा इतना कटान है, इतना पानी फैला रहा है। उसके बाद आबे देखिए हम लोग कमेटी में जा रहा है, एक घर चल जाने वाला है, आज लगभग 1.5 घंटा में चल जाएगा, पूरा कटान कर रहा है नदी। तीन ठो पेड़ था, तीनों पेड़ भस गया यहाँ पर। मिट्टी का बराबर